हाँ जी स्टूडेंट्स, आज असी अपनी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे तीसरे चैप्टर अ यंग तर्किश कैटास्ट्रफी एच मुनरो साकी ने लिखा होया है। इस चैप्टर दे आपां क्वेश्चन आंसर्स कवर करांगे। ये इस चैप्टर दी सीरीज़ दा साडा तीसरा वीडियो हो। स्टूडेंट्स, मैं इत्थे दसना चाहांगा कि मैं ऑलरेडी इस चैप्टर दी कॉम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन अते एनालिसिस दे दो वीडियो तुहाडे नाल शेयर कर चुक्या। जिस तरह के तुसी स्क्रीन ते देख पा रहे हो, मैं इस चैप्टर दे विच आए सारे वर्ड्स नू बहुत ही ईजी लैंग्वेज दे विच तुहाडे नाल एक्सप्लेन किया है। तुहानू मैं इस चैप्टर दे विच आए बहुत सारे जो इडियम्स ने उन्होंने भी मैं अपने कोशिश की। उम्मीद है कि बच्चों तुसी ये दोनों वीडियोज़ मेरे जरूर देखे हो। जेकर तुहाडे ये वीडियोज़ मिस होए ने तां मैं तुहानू स्क्रीन दे टॉप राइट कोर्नर दे उपर इन्हां दे लिंक प्रोवाइड कर रहा हाँ, ताकि फिर तुसी अज जिहड़े आपां क्वेश्चन आंसर चैप्टर दे करन जा रहे हैं उन्होंने चंगी तरह समझ पाओ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर दे टैक्स दे एंड ते तुहानू कॉम्प्रीहेंशन दी एक्सरसाइज दिती हुई है, जिस दे विच बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। जिस तरह तुसी स्क्रीन दे विच देख पा रहे हो बेटा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ने अकॉर्डिंग टू पैरा इन्होंने बना के क्वेश्चन पाए हुए ने। मैं इन्हां दे विचों जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने बच्चे वह मैं अज तुहाडे नाल शेयर कर रहा हाँ, अते होर बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं अपनी अज वाले वीडियो इंक्लूड किए हैं जो मैं लगता है कि वह एग्जाम दे विच पूछे जा सकते। हाँ जी, असी अपनी ऑलरेडी बेटा चैप्टर कंप्लीट कर चुके तो उसके क्वेश्चन आंसर कर जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डज द ग्रैंड एक्चुअली इतने गलती होगी पहले ची जी आर ए एन डी पालियो बेटा ये टी गलती नाल पैगी। डज द ग्रैंड वजीर सीम टू बी एंथ्यूजियास्टिक अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हम सू पता बेटा इस स्टोरी के टोटल चार करैक्टर आए हैं। शुरुआत के पहले सीन च दो करैक्टर आते हैं जिदे विच एक ग्रैंड वजीर है मुख्य वजीर, एक मिनिस्टर फॉर फाइन आर्ट्स है, तीसरे नंबर से दो कैंडीडेट है अली द ब्लेस्ड ते एक दूसरा कैंडीडेट है जिहड़ा यंग तर्किश पार्टी का कैंडीडेट है, उसका नाम नहीं आया। तो टोटल चार करैक्टर ही आए हैं। तो ग्रैंड वजीर बारे एक क्वेश्चन है जी, एंथ्यूजियास्टिक का मतलब होंगे बेटा उत्साहित होना, उत्साहित होना। के जिहड़ा मुख्य वजीर सीगा ओहो की इत्थे, क्योंकि देखो डज क्योंकि हैल्पिंग वर्ब है ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो जो भी कोई हैल्पिंग वर्ब नाल क्वेश्चन शुरू होंगे बेटा तो तुम्हें पता है भी ओह यस और नो च होंगे कके नूं बिहारी की दे हिसाब नाल शुरू होंगे कि की जिहड़ा मुख्य वजीर सी ओह उत्साहित सी नवे संविधान नूं लैके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, उस समय संविधान ड्राफ्ट हो रहा है ना नवा टर्की का, तो की नवे संविधान नूं लैके ओह उत्साहित सी। तो बेटा पहले सीन दे पहले पैरे च ही सानूं पता लग जाता है कि ग्रैंड वजीर इन्ना उत्साहित नहीं सी। तां उसने याद करो उन्हें दो वर्ड्स कहे सी, उन्हें कहा सी रिडिकुलस कहा सी, उसनू एब्जर्ड कहा सी। तां उन्हां दो वर्ड्स तो सानू पता लग जाता है कि वो तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नू लैके इन्ना ज्यादा उत्साहित नहीं सी। तां इहदा आंसर नैगेटिव च हो गया। तो असीं कहांगे द ग्रैंड वजीर डज नॉट, तो नॉट जरूर पाना है ओही आपां हैल्पिंग वर्ब आही जिहड़ी है ये यूज कर ली इत्थे ते उहदे नाल आपां नॉट लाता बिकॉज नो दे विच आंसर है। द ग्रैंड वजीर डज नॉट सीम टू बी एंथ्यूजियास्टिक अबाउट इट। सारा आंसर आपां बेटा देखो लाइन तो ही चक लिया, द ग्रैंड वजीर डज नॉट इत्थे पाता डज नॉट सीम टू बी एंथ्यूजियास्टिक अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेज वो कहता है दैट दे शुड नॉट ट्राई इट, कि सानू इस नू ट्राई नहीं करना चाहिए। तो तुहानू मैं दस्या भी सी कि चैप्टर दे विच ओह इस नू एब्जर्ड कहता है, बेहुदा अते रिडिकुलस हासोहीना कहता है। सिंपल आंसर है पहला। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है जी कि वाई डज द ग्रैंड वजीर थिंक विमेन शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर जाने वाला है। फिर क्यों वाई तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों जड़ा ग्रैंड वजीर है वह यह सोचता है कि जड़िया विमेन है औरतों ने उन्होंने वोट नहीं अलाउ करना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड टू वोट, उन्होंने वोट पान देना अलाउ नहीं करना चाहिए, अजिहा क्यों सोचता है। तो बेटा आप चैप्टर च पढ़े है पहले सीन च ही कि उन्होंने लगता है कि जड़िया एक स्टेटमेंट देता बेटा वह कि जड़िया औरतों ने उन्होंने ना तो सोल है कोई ना इंटैलीजेंस है। तो जो बंदे अंदर कोई अंतरात्मा वाली
गल ही ना हो उस कोई अकल वाली गल ना हो तो उन्हें फिर वोट का गलत इस्तेमाल करना इस करके वह कहता है कि विमेन नू अपा अलाउ ना करिए तो असं आंसर यही लिखा ही थिंक्स दैट विमेन हैव नो सोल्स एंड नो इंटैलीजेंस तो आ वर्ड बेटा तुम दो जरूर लिखने हैं सोल्स इंटैलीजेंस सोल्स का मतलब उही कि कोई अंदरों सोचती नहीं वह अंतरात्मा की गल ही नहीं सुनदियाँ इंटैलीजेंस का मतलब इतने अकल तो होंगे बेटा कि ना तो उन्होंने बहुत ही अकल है ते ना ही उन्हां च कोई अंतरात्मा वाली गल है इस करके फिर वह कहता है सो दे शुड नॉट बी अलाउड टू वोट इस करके उन्होंने वोट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए तो यह साडा सैकेंड क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन है जी कि वट आइडिया अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर इज सीरीयसली बीइंग कंसीडर्ड इन द वैसट यह भी पहले सीन के विच ही आता है कि वह कि आइडिया सी कि विचार सी मिनिस्टर दे अकॉर्डिंग मिनिस्टर अनुसार मिनिस्टर ही जी मिनिस्टर फॉर फाइन आर्ट्स जिहड़ा पहले पैरे दे विच आंदा है जी बिजनेस मीटिंग दे नाल उस नाल गल करन आंदा है ग्रैंड वजीर नाल तां ओह की दसदा है कि सीरीयसली किहड़ा आइडिया जिहड़ा है ओह वैसट दे विच वैसट दा मतलब इत्थे बेटा वैसटर्न कंट्रीज तों है यूएसए यूरोप उहनां नूं आपां कहिंदे आ वैसटर्न कंट्रीज कि किहड़ा आइडिया वैसट दे विच बड़ा ही सीरीयसली कंसीडर किया जा रहा है कंसीडर दा मतलब हुंदा बेटा ध्यान च लियाउणा कि ध्यान विच केड़ा आइडिया जड़ा हो लिया जा रहा है वैसट दे विच तासी आंसर बेटा देखे है कि वो वैसट दे विच विमेन नू उन्होंने वोट करनी अलाउ करती सी ते यही सीगा आइडिया तो आंसर लिखा कि द आइडियाज वर दैट विमेन शुड हैव द राइट टू वोट एज इन द वैसट तो आइडिया आइडियाज ये सीगे कि विमेन नू राइट टू वोट होना चाहिए राइट टू वोट विमेन शुड हैव द राइट टू वोट जिमें के वैसट विच है एज इन द वैसट एज का मतलब इतने जिमें जिमें के वैसट ने विमेन नू वोट पाने का अधिकार देता तो साडे भी यही आइडिया कंसीडर होना चाहिए तो नैक्सट क्वेश्चन है जी कि वट द न्यू टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मॉडल्ड आफ्टर यह भी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन कि जिहड़ा नवा तर्किश कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा सी उस समय तुर्की का नवा संविधान बन रहा सी उहदा मॉडल किसदे आधारित बन रहा सी मॉडल्ड मॉडल का मतलब इत्थे बेटा हुंदा ना देखो मॉडल का मतलब ऐसे नमूना हुंदा है कि मान लो आपने कोई सपोज करो बेटा कोई चीज तैयार करनी होवे सपोज करो आपने कोई सूट ही तैयार करना है ना किसे लई तां जे साडे कोले कोई उदां दा सूट पहला होवे तां असीं साडे लई ओह जिहड़ा पहला वाला सूट है ओह इक तरह दा मॉडल दा काम करदा तां आपां उस बेस ते आपां नवा सूट तैयार कर सकदे हां तां सेम इही है कि नवा जिहड़ा तर्किश संविधान सीगा ओह किस मॉडल दे बेस ते सीगा मतलब ओह किस दे अनुसार बन रहा सी उसने अपना मॉडल किहनूं मन्निया सी तां ओह गल्लां बार बार बेटा वैसटर्न कंट्रीज वाले मॉडल नूं इन्होंने मन्निया सी तां आंसर इह लिखांगे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मॉडल्ड आफ्टर द वैसटर्न कस्टम कस्टम दा मतलब इत्थे रिवाज ला लो या तुसी प्रथा ला लो जिवें मर्जी ला लो वैसटर्न का मतलब इत्थे पछमी के पछमी देश है जिहड़े उन्हां दे कॉन्स्टिट्यूशन दे बेस ते साडा संविधान बनिया सी इह गल बेटा आपां भारतीय संविधान ते भी लागू कर सकदे हां साडे जदों भारत का संविधान बनिया सी तां उन्हां दिनां दे विच असी काफ़ी चीज़ां कई देशों तो लईआं सी तां असी भी किसी मॉडल दे बेस ते अपना संविधान बनाया सी तां आही क्वेश्चन इत्थे है तां बेटा नैक्सट क्वेश्चन है साडा सिक्स्थ What was the new departure that the Vizier is talking about? Chapter दे पहले सीन दे विच एक वर्ड आंदा बेटा न्यू डिपार्चर और न्यू डिपार्चर का मतलब की है तो वह न्यू डिपार्चर वर्ड कौन बोलता वजीर बोलता है कि वजीर न्यू डिपार्चर की गल करता है इज टॉकिंग अबाउट वजीर इज टॉकिंग अबाउट तो वह न्यू डिपार्चर की चीज है तो बेटा यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है न्यू डिपार्चर यही है क्योंकि संविधान दे विच एक नवी चीज ने इंट्रोड्यूस होना सीगा और न्यू डिपार्चर केड़ी सीगी नवी चीज केड़ी सीगी कि आपां विमेन नू राइट टू वोट देना है तो आंसर यही है द न्यू डिपार्चर वाज अबाउट द राइट टू विमेन टू कास्ट वोट एट एन इलेक्शन कि न्यू डिपार्चर जिहड़ी नवी चीज आई सीगी वह यह सी कि आपां ने राइट टू वुमेन यह अधिकार देना है विमेन नू राइट का मतलब इत्थे बेटा अधिकार हो गया कि यह अधिकार देना है कि वह अपनी वोट कास्ट कर सकन कास्ट दे नाल हमेशा बेटा वोट आंदा है जदों भी आपां वोट पाना कहने ना कि वोट पानी तां कास्ट वोट आंदा है ध्यान रखियो तां कास्ट वोट कर सकन ओह किथे किसे भी इलेक्शन दे विच ते इह साडा इह क्वेश्चन दा आंसर हो गया
सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं जी के व्हाट रीजंस डज द वजीर गिव फॉर विमेन फ्रेंचाइज नॉट बीइंग एप्लीकेबल इन हिज ओन कंट्री। जदों वजीर कहता है ना कि विमेन को ले ना तो इंटेलिजेंस है ना ही उन्हों को ले सोल है तो फिर बदले च ना मिनिस्टर उन्हों कहता है कि भी ये गल तो वेस्ट च भी हैगी है उत्थे भी विमेन इन ज्यादा पढ़िया लिखिया नहीं है लेकिन उन्होंने तो वोट का राइट देता वैसटर्न कंट्रीज ने। फिर बदले च फिर आंसर दिंदा है अपने जिहड़ा वजीर है ता ओ ओदे बारे क्वेश्चन है कि ओ केड़े कारण दसदा है व्हाट रीजंस वजीर दिंदा है कि विमेन फ्रेंचाइज इत्थे विमेन फ्रेंचाइज का मतलब है बेटा सारे जिहड़ियां विमेन है औरतां नूं उन्हां नूं वोट देने दे अधिकार की गल है तो उन्हों विमेन फ्रेंचाइज कहिंदे हैं कि उन्हां दी कंट्री दे विच एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता यह लागू क्यों नहीं हो सकता कि सारियां औरतां नूं असीं वोट पाउण दा अधिकार दे दईए ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦ ਵਜ਼ੀਰ ਗੇਵ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੈਟ ਦ ਵਿਮੈਨ ਡੂ ਨੋਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ। ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਡਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ, ਸਵਿਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਏਟਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਨਕਲੀਨ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਵਿਚ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਿਡ ਟੂ ਅਟਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਟ ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਕਲੀਨ ਐਨੀਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਨਕਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨਕਲੀਨ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਅਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਾ, ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹ ਬੋਲਦਾ, ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੌਗ, ਦਾ ਅਨਕਲੀਨ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੌਗ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੌਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆਓਗੇ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਗ, ਤਾਂ ਪਿੱਗ ਨੂੰ ਹੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੰਦ ਮਨ ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੈਮਲ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੈਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਟੈਂਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੂ ਵਾਜ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲ ਐਂਡ ਬਾਏ ਹਾਊ ਮਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਸੀਨ ਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਸਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੂ ਵਾਜ ਲੀਡਿੰਗ, ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾਏ ਹਾਊ ਮਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 200-300 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੰਗ ਟਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲ ਬਾਏ 300-400 ਵੋਟਸ, 300-400 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ। ਓਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਪਲੱਸ 1 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੀ ਸਰਚ ਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਫੁੱਲ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ 11 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਜ਼ੀ ਡੂਇੰਗ ਆਫਟਰ ਹੀ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਹੈਡ ਆਫ ਹਿਸ ਓਪੋਨੈਂਟ। ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਡੂਇੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਅਹੈਡ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ, ਓਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਪੀਚ ਫੋਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਪੀਚ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਫੋਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਡਿਡ ਦਾ ਵਹੀਕਲਸ ਪਲੇ ਇਨ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਵਹੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਫਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੌਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਕਿੱਲਫੁੱਲ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਵ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਾ ਮੋਟਰ ਕਾਰਸ ਨੋਕ ਡਾਊਨ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੀ ਓਪੋਨੈਂਟਸ। ਨੋਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਨੋਕ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਨੋਕ ਡਾਊਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਈਵਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੰਚ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨੋਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਓਪੋਨੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਦੇ ਵਰ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗ੍ਰੇਵਸ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ੌਫਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੌਫਰਸ ਕਿਹਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। 13th ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਬਲੈਸ ਰਾਈਵਲ। ਅਲੀ ਬਲੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲੀ ਬਲੈਸ ਦਾ ਰਾਈਵਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਅਲੀ ਬਲੈਸ ਰਾਈਵਲ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
लेकिन इत्थे गल याद रखने वाली यह है बेटा कि पूरे चैप्टर दे विच यंग तुर्किश पार्टी दे कैंडीडेट दा नाम नहीं आया, किसी दा भी नाम नहीं आया, बाकी किसी करैक्टर दा नाम नहीं आया, जिहड़ा मिनिस्टर फॉर फाइन आर्ट है उहदा भी नाम नहीं आया, उहनूं मिनिस्टरी कहा गया पूरे चैप्टर च। इसे तरह ग्रैंड वजीर नूं वजीर ही कहा गया सारे चैप्टर च। सिर्फ अली ब्लेस्ड दा नाम आया, बाकी किसी चारा करैक्टरां दे विचों बाकी तीन करैक्टरां दा नाम नहीं आया। 14 क्वेश्चन है जी कि वाई डिड द यंग तुर्किश कैंडिडेट नॉट फॉलो अलीज एग्जाम्पल। क्यों यंग तुर्किश कैंडिडेट ने, वाई का मतलब क्यों, क्यों फॉलो नहीं की अली दी एग्जाम्पल नू, अली दी उदाहरण, अली दे उदाहरण नू उन्हें फॉलो क्यों नहीं किया। तो इतने बेटा इतने केड़ी एग्जाम्पल की गल हो रही है, तो एग्जाम्पल बेटा यह है कि अली ने बहुत सारे विआह कराए हुए थे, सानू पता है चैप्टर च किन्नियां सारियां लेडीज़ वह लैके आया सीगा पोल ते, 300 तो ज्यादा लेडीज वो लेके आया सी, ते उन्हां चो कई उस दियां वाइफ सीगियां ते कई उस दियां मिस्ट्रेस सीगियां, इह सानू पता है। ता ए एग्जाम्पल यंग तुर्किश कैंडिडेट ने क्यों फॉलो नहीं कीती, क्यों उसने ज्यादा विआह नहीं कराया या उहदियां इन्नियां मिस्ट्रेसिस क्यों नहीं सी। हालांकि देखो दोनों इको देश दे ने, वह भी तुर्की देश का रहने वाला, वह भी तुर्की देश का रहने वाला, तो फर्क बेटा कितने आ गया, फर्क यह आ गया कि जिहड़ा यंग तुर्किश पार्टी का कैंडीडेट सीगा वह पिछे लग्या होया सी वैसटर्न कंट्रीज़ दे, उहनूं वैसटर्न कंट्रीज़ बड़े वधिया लगदे सी, तां वैसटर्न कंट्रीज़ च जो जो चल रहा सी वह अपने ते लागू करदा सी। हुण वैस्ट कंट्री दे विच इह है कि उत्थे सारे जने एक वाइफ नाल रहिंदे आ, उस नाल अपना जीवन बतीत करदे आ, तां उत्थे इस तरह की प्रथा है, तां उही जिहड़ा रवाज है वह अपने ते लागू कर रहा सी। लेकिन अली तो अपने जिवें चल रहा उवें चल रहा सीगा, उसनूं कोई इदां दी नहीं गल सी, वह कोई वैसटर्न कल्चर नूं फॉलो नहीं सी कर रहा। तो यह कारण है जी, आंसर असं यही लिखांगे, द यंग तुर्किश डिड नॉट, इत्थे कैंडीडेट पा लियो, द यंग तुर्किश कैंडीडेट डिड नॉट फॉलो हिम बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग द वैसटर्न कल्चर, क्योंकि वह मन रहा सी, फॉलो का मतलब होंदा किसी चीज़ नूं मनना, केड़े द वैसटर्न कल्चर, वैसटर्न कल्चर पछमी सभ्यता, कल्चर का मतलब इतने सॉरी सभ्यता कह लो, कल्चर का मतलब सभ्याचार, सॉरी सभ्याचार, तो सभ्याचार फॉलो कर रहा है पछमी सभ्याचार, पछमी सभ्याचार जो जो रीति रिवाज से उन्होंने फॉलो कर रहा है, इस करके उसने अली की एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर। 15th क्वेश्चन है जी के हु एक्सक्लेम्ड क्रिस्टोबल कोलंबस, एक्सक्लेम का मतलब हुंदा बेटा हैरान होके कहना, किसने हैरान होके कहा क्रिस्टोबल कोलंबस। तो सानू पता बेटा यह यंग तुर्किश कैंडीडेट ने कहा सी, जदों देखो पहला तो जित रहा सी 300-400 वोटा से, फिर वह हार गया इन वोटा से, तो वह कहना तो चाहता सी जीसस क्राइस्ट है ना, वह रब नू याद करना चाहता सी, लेकिन वह इन्ना बेचारा कन्फ्यूज हो गया, इन्ना बोंदल गया, क्यों जीती जिताई बाजी हार गया, तो वो मूँह तो रब की थां ते एक बंदे का नाम निकल गया, वो भी गलत, क्रिस्टोबल कोलंबस। तो क्रिस्टोबल कोलंबस का मतलब उही तुहानूं मैं दस्सिया सी, कोलंबस जिहड़ा एक सेलर है, थोड़ा जिहा तुहानूं उहदे बारे मैं एक्सप्लेनेशन दसी सी कि कौन सी कोलंबस। तो बेटा यह किसने बोले शब्द, तो यंग तुर्किश कैंडीडेट ने बोले सी, तो आप आंसर लिखांगे द यंग तुर्किश कैंडीडेट एक्सक्लेम्ड इट, उसने यह शब्द बोले सी। जस्ट तुसी द यंग तुर्किश कैंडीडेट भी लिखिया हो तो भी आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन है जी के वट वॉज द डिस्टिंग्विश पायनीज रियल नेम। तो डिस्टिंग्विश का मतलब उही अलग जिहड़ी अलग जा होवे है ना, परसन जिसने अपनी अलग थां बनाई हुई, आपां उसनूं डिस्टिंग्विश कहने हैं। पायनीर उही मैं तुहानूं दस्सिया सी जो सानूं कोई नवा राह दिखांदा है, पायनीर नवा साढ़े लिए एक चानण मुनारे वर्गा काम करता है, तो कोलंबस ने ही काम करिया सी, उहने महादीप की खोज करी सी। तो उहदा असल नेम की सी, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨੇਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਕੋਲੰਬਸ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨੇਮ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ। 17 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਡਿਡ ਦਾ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਕਿ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਦੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਯੰਗ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ, द तुर्किश गवर्नमेंट बिलोंग टू द यंग तुर्किश पार्टी। तो यंग तुर्किश पार्टी की ही सरकार सी, लेकिन उस बारी फिर वह चोणा च वह वाली जगह तो हार गई सी। 18 क्वेश्चन है जी कि वाई डिड द मिनिस्टर फॉर फाइन आर्ट सी द ग्रैंड वजीर, वाई का मतलब क्यों,
क्यों जड़ा मिनिस्टर फॉर फाइन आर्ट सीगा ओह ग्रैंड वजीर नू मिलन गया थे सीधा मतलब देखना नहीं है बेटा मिलना है कि वह उसनू मिलन क्यों गया थे असी तो यह शुरू च बेटा पढ़िया है कि एक बिजनेस मीटिंग दे लिए वो गया सी लेकिन बिजनेस दी गल्लां घट हुई और परां दी गल्लां ज्यादा हुई हैं सानू पता है द मिनिस्टर वॉन्टेड टू नो इफ वीमेन वर टू हैव वोट्स अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो मिनिस्टर इसलिए गया सीगा वजीर नू मिलन वह चाहता सी ए जानना वॉन्टेड टू नो इफ जेकर की जड़िया वीमेन ने वर टू हैव वोट्स उन्होंने वोटिंग राइट मिल सकता है अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नवे संविधान के विच कि वह की वोटा पा सकदिया ने तो यह क्वेश्चन आंसर लैन दे लई ओह वजीर कोल गया सी 19th क्वेश्चन है जी कि वाई वॉज द वजीर अनविलिंग टू गिव तुर्किश वूमेन द राइट टू वोट यह आंसर बेटा पहला आ चुका क्वेश्चन दोबारा है ये थोड़ी चैप्टर दे विच सीगा तां करके मैं दोबारा पाया तो वाई का मतलब क्यों जड़ा वजीर सीगा अनविलिंग अनविलिंग का मतलब नहीं सी चाहुंदा कि तुर्किश औरतों नू राइट टू वोट मिले क्यों वोट पा सकन क्यों नहीं सी चाहुंदा रीजन यही है कि उन्हें पता सीगा कि उन्हें कोले कोई सोल नहीं है कोई इंटेलीजेंस नहीं है तो उही सेम आंसर इत्थे तुसीं लिख सकदे हो ही थिंक्स दैट वीमेन हैव नो सोल्स एंड नो इंटेलीजेंस उन्हें लगता सी कि तुर्किश औरतों को ना तो कोई सोल वाली गल है ना कोई इंटेलीजेंस वाली गल है इस करके दे शुड नॉट बी अलाउड टू वोट उन्होंने वोट नहीं अलाउ करनी चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि 20th क्वेश्चन है पेपर चाहने वाला है कि कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बार बार कहना है कि जिहड़ी स्टोरी का टाइटल है द यंग तुर्किश जिहड़ा कैटास्ट्रफी जिहड़ा उहदा टाइटल है उहदी एप्रोप्रिएटनेस दसनी है साने दसना है कि सही है बिल्कुल सही आंसर क्यों है यह सही टाइटल क्यों है आंसर है जी द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अ यंग तुर्किश कैटास्ट्रफी स्टोरी का टाइटल की है कि एक यंग तुर्किश तबाही कैटास्ट्रफी का मतलब तुहानूं मैं दस्सिया सी तबाही तो हुंदा अ कैटास्ट्रफी इज अ डिजास्टरस एंड डिजास्टरस एंड का मतलब भी तबाही ही हुंदा डिजास्टर तो ही बनता है डिजास्टरस एंड कैटास्ट्रफी का मतलब की हुंदा एक अजिही चीज जिसकी जो तबाह करने वाली होवे द कैंडीडेट ऑफ द तुर्किश पार्टी वॉज विनिंग द इलैक्शन हुण तुर्किश पार्टी का कैंडीडेट तो इलैक्शन जित रहा सी मौके की सरकार सी उहदा इलैक्शन जित रहा सी सारी मशीनरी उहनां दी सी बट ही वॉज डिफीटिड बाय द वीमेन एट द एंड ऑफ द स्टोरी पर उहनां नूं उस बंदे नूं किने हराता औरतां ने तुहानूं पता है कि औरतां सारियां इकट्ठियां होके अली दा ब्लस दे नाल आ गईआं ते उन्होंने उन्होंने हराता ते उहदे नाल बेचारी की तबाही आ गई जित्ती जिताई बाजी हार गया इस करके दा जड़ा टाइटल है बिल्कुल सही है इनू बेटा जरूर याद कर लेना 21वां भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस च आ जांदा है कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द यंग तुर्किश पार्टी कि यंग तुर्किश पार्टी का सिंबल की सी क्रेसेंट हाफ मून तक इनू आपां क्रेसेंट कहने आ अद्धा चन तो याद है तुहानू कि उन्हें कहा भी सी कि मोहरा ही आपां हाफ मून दी बना दो पता ही ना लगन दो यह जी गल भी हुई सी चैप्टर च लास्ट क्वेश्चन है जी कि वाई डू यू थिंक दिस इज अ फनी स्टोरी तुसी किवें सोचदे हो कि यह एक मजाक वाली कहानी है कई गल्लां मजाक वाली इस कहानी जांदियां ने इट इज अ फनी स्टोरी बिकॉज इट इज फुल ऑफ ह्यूमर कहिंदे यह एक फनी कहानी है क्योंकि फुल ऑफ ह्यूमर हासा ठिठा है इस च बेटा जिहड़ा ह्यूमर हुंदा ना यह फन दे नालों थोड़ा जा बैटर हुंदा है फन दे विच की हुंदा है कि ना आपां किसे दा मखौल उड़ाने हैं किसे दा मेक फन करना दा मतलब उसका मखौल उड़ाना ह्यूमर दे विच आपां किसे दा मखौल नहीं उड़ाते आपां उस नाल हासा जरूर करते हैं लेकिन उस हासे दे विच ए चीज हुंदी है कि उसकी बैटरमेंट होवे सामने वाले परसन की तो उन्हूं आपां ह्यूमर कहने हैं मतलब मखौल ना उड़ा के आपां हासे दे विच उन्हूं समझाउण दी कोशिश करते हैं तो इत्थे ए गल कही गई है द स्टोरी इज फुल ऑफ आयरनी आयरनी का मतलब की होंगे बेटा आयरन का मतलब तो तुम जानते हो लेकिन आयरनी का मतलब होंगे कि ये ना कोई डीप मीनिंग छुपया होंगे इस कहानी के कोई मतलब डूंगा जी इस अर्थ छुपया हुआ इस कहानी इट हैज सम शॉर्ट विटी सेइंग्स छोटिया छोटिया विटी सेइंग्स है विटी का मतलब अकल वाली नॉलेज वाली गल् ने कई जगह आईया ने इट हैज ऑलसो गोट अ सरप्राइज एंडिंग इस दे विच, एंड दे विच, सरप्राइज एंडिंग भी होंगी है इसका अंत मतलब जड़ा हुंदा वह बहुत ही हैरान करने वाला हुंदा है ये तो सानू पता है कि एच एच मुनरो साकी दियां कहानियां च है कि उस दे विच एपिग्रामेटिक स्टाइल हुंदा है ते उसकी सरप्राइज एंडिंग हुंदी है तो आपां नूं इंट्रोडक्टरी पहले तो ही पता लग गया सीगा ते इहदी सरप्राइज एंडिंग है इहदे च विटी सेइंग्स है इहदे च आयरनी है इस च ह्यूमर है आ बेटा तुसीं चार चीजां याद करनियां ने कि इस च ह्यूमर है इस दे विच आयरनी है इस दे विच विटी सेइंग्स है विटी सेइंग्स मैं तुहानूं दस्सदा की हुंदा है कि
ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।